हेलो गाइस, तो मैं आज कम तेल में आपको सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए बताऊंगी। इसमें मैंने सबसे पहले 2 या 3 चम्मच सरसों ऑयल लिया। उसके बाद मैंने इसमें 4 प्याज कटिंग करके डाला। उसके बाद मैंने 5-6 वाइट आलू मैंने लिया, उसे भी डीप फ्राई होने दिया प्याज के संग संग ही। और फिर ये सोयाबीन, उबली हुई सोयाबीन पानी को निचोड़ करके मैंने इसमें साथ में ही डाल दिया। तो ये साथ साथ फ्राई हुए हैं। इसमें मैंने अभी अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट भी डाला है। 2 प्याज पेस्ट करके, अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल करके इसे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। इसमें नमक हल्दी भी स्वाद अनुसार मैंने डाला है। ये चिकन मसाला जो मार्केट में आराम से अवेलेबल है, कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी कलर लास्ट में डालना है इसे। तो मैं ये सब मैं डाल चुकी हूँ, थोड़ी और दे देती हूँ। अब ये मेरे अंदाज से ये डीप फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें पानी मैं डालूंगी, इसे मैं मीडियम कर दे रही हूँ फ्लेम को। अब मैं इसमें थोड़ी पानी, एक कटोरी पानी मैंने अंदाज से डाला है। हाँ साड़ी है, काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी बनने वाली है ये। तो ये बन करके रेडी है। थोड़ी सी मैं ये कश्मीरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। अब ये देखिए, अब ये लजीज कम तेल में सोयाबीन की सब्जी तैयार है। सभी कहते हैं सोयाबीन में तेल लगते हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही कम तेल में इसे मैं बनाई हूँ। और इसे मैं 2 मिनट पकने के बाद उतार लूँगी। और ये बनके अब तैयार है।